खावे जो रे यासु खून बड़े गालन पे लाली आवे ले पकड़ चिड़चिड़ी अम्मा और बताओ क्या मौज आ रही है एक बात बोलूं एक का दो बोल लो अमित अभी ना तुम ये गले में गमछा ये देसी ड्रेसअप ये रोड साइड में से सेब खरीदना बंद कर दो और बोलते वक्त थोड़ा इंग्लिश का यूज करा करो अरे सदा दिमाग की खराब करो कभी प्यार भी कर ले करो लग गई हवा दो दिन से कॉलेज क्या जान लगी या लोंडा कोई जज कर रही हो दो साल पहले इसी देसी स्टाइल पे फिदा हुई थी तुम बहुत अच्छे हो पर मैं तुम्हें स्टैंडर्ड की बात बता रही थी पता ना यार तारे यही स्टैंडर्ड कपड़े इन और बातन सु जज हो गए हमारे यहाँ तो आदमी के कर्म सु उसको स्टैंडर्ड जज हो गए कभी मेरे कॉलेज जाओ मैं दिखाती तुम्हें स्वैग लड़कों का मेरा क्या सोया गया उनको पेंट उनकी घुटने से नीचे जा रही है जवानी में उनकी फंगस लग गए कमजोरी इतनी आ रही है कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ेगी हाय चल के सोया के फूफा अच्छा जी अरे मारते मारते तेरे यारन के तार दुख अच्छे उन पढ़े लिखे गवारन सो हम देसी अच्छे ओके मेरे देसी वैसे पता है तुम्हें मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ सेफ फील करती हूँ अच्छा जी और क्या अच्छा सुनो ना यार वो नया फोन ले आओ ना यार मुझे जरूरत है आ जाएगा फोन भी अपनी इज्जत और आपकी बात मैंने कभी गिरने दी है क्या अच्छा चलो मैं चलती हूँ बाय भाई तुझे ना लगता जब से भाभी कॉलेज आने लगी है एटीट्यूड इंग्लिश हो लिया उनका तो इंग्लिश बुरा थोड़ी ना है लेकिन हमारे हिंदी से बढ़िया थोड़ी ना है अरे भाई 900 करे कॉलेज में इतनी सब्जेक्टन की चॉइसेस ना रही जितनी आजकल भाभी लौंडान की चॉइसेस मिल रही है वहाँ तो जारा की सेल चल रही है नुका जो भी बढ़िया लगा थालो भाई डिस्काउंट पे मंत्री बन रहा है भाई फिर भी एक बार तुझे कॉलेज जाना चाहिए भाभी के साथ वहाँ के लोगों को भी तो पता चले कि हमारा भाई क्या चीज है अरे चल तू चुप रह तेरा तो डेली का तू चुप रह चलो उस गांव वाले से मजे लेके आते हैं क्या बोलते हैं ये लोग पोहोरो का हाल है कहाँ को जा रही है हाय चित्रांजी आ गए तुम लोग इनसे मिलो भैया जी नमस्ते भैया जी के कपड़े तो देखो गुची अरमानी ज़ारा ज़ारा नहीं चारा नहीं भैया जी तो कोई इंग्लिश में बात नहीं करेगा भैया जी का हार्ट डाइट है इंग्लिश में भैया जी तो कैसे आना हुआ साइकिल से रिक्शा से या फिर बुग्गी से अबे यार कैसा प्रोफेसर है हमारा मेरे से पूछता देश का पहला प्रेसिडेंट कौन है फिर पूछता जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है और तो और ये पूछ लिया उसने कि हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं अबे हमें क्या पता हम सब तो पार्टी करने आते हैं ना ब्रो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और तुम्हारे पास पांच सब्जेक्ट देसी और गवार में फर्क करना सीख लो पढ़े लिखे गवारो हेलो दो दिन से ना फोन पिक कर रहे हो ना कॉलेज छोड़ने जा रहे हो बर्थडे है कल मेरा वो याद है या वो भी भूल गए भूला तो उन्हें जावे जिनकी कभी याद ना आवे तुम तो हर पल याद में हो अच्छा तो क्या गिफ्ट दे रहे हो मुझे कल चूना ही लगाओ कभी दिल भी लगा ले करो शट अप अच्छा सुनो कल मेरे मॉम डैड बाहर जा रहे हैं तो तुम जल्दी आ जाना उनके साथ केक काट कर फिर हम सब पूरी रात पार्टी करेंगे जैसा आप कहो चिड़चिड़ी अम्मा ओके चलो कल मिलते हैं बाय जन्मदिन मुबारक हो अरे तुम आ गए बर्थडे गिफ्ट सरप्राइज
गलत टाइम पे आ गया। तो कैसा लगा बर्थडे गिफ्ट यार? प्लीज शाम को लेने आ जाना मुझे। अरे तुम कहो तो तुम्हें अंदर ही ना जाने दूं। तुम भी ना, चलो बाय। तू रह यार, फूल देना तो भूल गो। देवी छोड़ गया तुम्हें तुम्हारा ड्राइवर। सही पागल बना रहे तुम उसका। इश्क मेरा दर्द मेरा है, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना। इश्क मेरा दर्द मेरा आशिक तेरा। भीड़ में खोया रहता है जाने जहां, पूछो तो इतना कहता है। मैंने प्यार किया और तूने व्यापार। हम थोड़ा मैंने बोला ना बंद करो इसको। इसीलिए कॉलेज भेजा था तुम्हें कि मुझे यह दिन देखना पड़ा। लेकिन डैड, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। संध्या अंदर ले जाओ उसको, ले जाओ उसको अंदर। पार्टी खत्म हो गई है? पार्टी खत्म हुई नहीं है, कराई है। प्यार सु तो है जान भी दे देते, चालाकी सु तो है ठेंगा भी ना मिला। दगा मेरी ना तू कर गी नी, तू मर गी नी, मेरे लिए मर गी नी, तू मर गी नी, मेरे लिए मर गी। हेलो। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम, आपके फोन की ईएमआई की आज लास्ट डेट है। ईएमआई? कौन सा फोन? मुझे मेरा फोन गिफ्टेड है। सॉरी मैम, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जिन्होंने आपको गिफ्ट दिया था वो आपके आधार कार्ड से ही इस फोन को किस्तों पर करा कर गए थे। क्या? हेलो, हेलो मैम, हेलो। हेलो भाई, मुबारक हो, आपका आईएएस का एग्जाम क्लियर हो गया। सैलरी का आधा हिस्सा गरीबन के नाम और आधे हिस्से का भंडारा बाबा के नाम का। देसी और गवार में तुमसे फर्क ना गलता। सिर्फ अच्छे कपड़े और भाषा से इंसान बढ़िया ना बनता।